खरगोन में पिछले 5 दिनों में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पेंशनरों ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकाली। गायत्री मंदिर से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे वहां पेंशनरों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। शासन के वरिष्ठ नागरिकों की जायज मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है। उनकी 4 सूत्रीय मांगों में केंद्र के अनुरूप घोषित दिनांक को 38% महंगाई की राहत दी जाए, 6ठे एवं 7वें वेतनमान में निर्धारित पेंशन का क्रम से 32 माह और 27 माह का एरियर भुगतान किया जाए, केंद्र के अनुरूप चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा सुविधा दी जाए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित किया जाए, जैसी मांगे शामिल हैं। पेंशनर ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पाँच दिवसीय आंदोलन किया था, उसका आज अंतिम दिन है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो 32 महीने का एरियर है, फिर 27 महीने का एरियर है उसका भुगतान होना है, हमको चिकित्सा सुविधाएं जो प्रदान की गई थी वो वापस ले ली, वो हमें उसके आयुष्मान योजना के अंतर्गत या उसके समान योजना का हमको लाभ मिलना चाहिए। और शासन के द्वारा जो हमारी लंबित मांग है सबसे बड़ी वो है कि आज प्रदेश में और केंद्र में 39% भत्ता दिया जा रहा है और हमारे पेंशनर एसोसिएशन को 22% भत्ता ही मिल रहा है, तो इस अंतर को पाटने के लिए हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। उसका आज आखिरी दिन था और आज हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अगला कदम हमारा आंदोलन का जारी रहेगा, इसके बाद हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से हमारे क्षेत्रीय सांसद विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद विधानसभा का घेराव होगा और उसपे भी हमारे मांगे अगर मंजूर नहीं होती तो चरणबद्ध तरीके से हम क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद आमरण अनशन पे भी हम जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।